श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधा, गुर बिन कोर अंधा, गुरु बिन समझ नावे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे, गुर बिन मुकत न पावे, गुरु बिन मुकत न पावे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, नाम सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, 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 सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, शब्द हर हर जपे नाम नवनित अपे, शब्द हर हर जपे नाम नवनित अपे, रसन एहन सरसे सत कर जानियो, शब्द हर हर जपे नाम नवनित अपे, शब्द हर हर जपे
ਨਿਦ ਅਪੇ ਰਸਨ ਐਨ ਸਰਸੇ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਪ੍ਰਾਣਿਓ 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 ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਤ ਅਪੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਤ ਅਪੈ ਰਸਨ ਐਨ ਸਰਸੇ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰ 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 ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀਓ
वचन गुरु रिद तरो पंच पू बस करो वचन गुरु रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो गुरु 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 जप प्राणियो 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 शब्द हर हर जपे नाम नव निद अपे शब्द हर हर जपे नाम नव निद अपे रसन एहन सरसे सत कर जानियो गुरु 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 जप प्राण गुरु 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 जप प्राणियो गुरु 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 जप प्राणियो गुरु 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 जप प्राणियो सब सुख इत उत तुम बंचो जोता सब सुख इत उत तुम बंचो जो गुरु जप प्राणी गुरु गुरु गुरु
शब्द हर हर जपे, नाम नव नित अपे। हाँ शब्द हर हर जपे, नाम नव नित अपे। रसन एहन सरसे, सत कर जानियो। गुरु 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 जप प्राणी, गुरु 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 जप प्राणी, गुरु 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 जप प्राणी, गुरु 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 जप प्राणियो। सत नाम सत नाम सत नाम जी, वाहे गुरु आहे गुरु जी। सत नाम सत नाम सत नाम जी, वाहे गुरु आहे गुरु जी। सत नाम सत नाम जी, वाहे गुरु आहे गुरु जी। सत नाम सत नाम सत नाम जी, वाहे गुरु आहे गुरु जी। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु 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 जप प्राणी, जौता सब सुख इत उत तुम बंछ। ध्यान से श्रवण करना पंक्तियों को साथ संगत जी। हेलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज जो दास प्रकरण ले रहे हैं ना, आखिरी दीवान है, तो तत् का प्रकरण ले रहे हैं। तत् कहते हैं जो बीज होता है, सारे ज्ञान का बीज क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की हर पंक्ति में जो ज्ञान दिया गया है वो क्या है, वो मेन बात है। और ये बात जिसके पल्ले में पड़ गई, ये ज्ञान गुरु ने जिसके हृदय में डाल दिया, दृढ़ करवा दिया, उसके जीवन में से दुख ही खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक पंक्ति एक ही उपदेश देती है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। हर पंक्ति में नाम जपने का उपदेश है कि भाई नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता। सारी सिमृतियां सारे वेद शास्त्र गुरबाणी एक एक पंक्ति पुकार पुकार के कहती है नाम जपो, पर हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता। हर एक का सवाल होता है नाम जपने में मन नहीं लगता, क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी विचार किया है कि क्यों मन नहीं लगता। बड़ी सिंपल सी बात है साथ संगत, बड़ी ही सिंपल सी बात। हमें अपने मन को समझना पड़ेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन लालची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें जिस चीज में लाभ दिखाई देता है वो काम हम किसी भी प्रकार कर लेते हैं, चाहे बुखार क्यों न चढ़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा मन लालची है, हमारा स्वभाव लालची है। जिस चीज में लाभ दिखाई दे जाए फिर तो चाहे 100 लोग रोके तो भी वो काम करेंगे, क्योंकि उसमें लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक नाम जपने में मन नहीं लगा क्योंकि इसके लाभ का नहीं पता हमें, इस मन को ये ज्ञान नहीं है कि ये नाम करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम करता क्या है, ये सत्संग क्यों कर रहे हैं? इसलिए सत्संग का एक ही भाव होता है, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सत्संग का एक ही भाव है कि नाम की महिमा का इस मन को पता चल जाए, नाम जपने का मन करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर साथ संगत करने के बाद नाम जपने का मन नहीं किया, मन नहीं किया कि अमृत लूट के नाम जपें, मन नहीं किया कि शाम को रहरे शिव जी का पाठ समय पर करें, मन नहीं किया कि पांच वाणियों का पाठ करें, तो समझ लेना सत्संग नहीं कुछ और ही करके आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोठियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, गुरु 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 जप प्राणियो जो ता सब सुख इत उत तुम बंचो। वो अगर तू चाहता है कि यहां पर भी और वहां पर भी तुझे सारे सुख मिले तो गुरु 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 जप प्राणियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तुझे संसार के सारे सुख मिले तो नाम जप, लालच दिया है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्योंकि गुरु महाराज को पता है कि हम लालची हैं, अगर कहेंगे नाम जप तो नहीं जपेगा, कहेंगे सारे सुख मिलेंगे तो जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच है, अतकथनी नहीं। नाम जपने से क्या नहीं हो सकता, ये सवाल पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए क्या होगा, सवाल ये उठता है कि क्या नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजारों साखियां लाखों प्रमाण के नाम जपने से होता क्या है, चमत्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक हमारा मन नाम जपने में नहीं लगा क्योंकि हमें इसकी कीमत का नहीं पता। जिस दिन इसकी कीमत का पता चल गया ना साध संगत जी, भवानंद सिंह जी वचन करते थे, वो तो पछताएंगे ही जो नाम नहीं जपते, जब 84 भोगनी पड़ेगी वो भी पछताएंगे जो नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव समझना, जो नाम नहीं जपते वो तो पछताएंगे ही, जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। तो पूछा जो जपेंगे वो क्यों पछताएंगे, कहने के वो इसलिए पछताएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि नाम की कीमत क्या थी, इतनी ज्यादा इस नाम की कीमत, तब पछताएंगे हमने ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम गुरु नानक पाशाह भाई मर्दाना जी बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, नाम का मतलब समझ लो नाम करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी गुरु नानक पाशाह बैठे हैं जंगल में पेड़ के नीचे, क्या देखते हैं, सामने से पालकी आ रही है, उस पालकी में सेठ सवार है, उस पालकी को मजदूरों ने गुलामों ने उठाया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कड़ी धूप है, ना जाने कहां से उठाकर लेके आ रहे हैं पालकी को, पसीने से भरे पड़े हैं, थके हुए हैं वो गुलाम, पर जब पालकी पेड़ के पास से गुजरी तो अंदर से आवाज आई उस सेठ की कि मैं बैठा बैठा थक गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि मैं बैठा बैठा थक गया हूँ, पालकी को कहीं रख दो ताकि मैं थोड़ी देर बाहर बैठकर आराम कर लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई बालाजी गुरु नानक पाशाह ये देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सेठ को बाहर बिठाया गया, दो मजदूर पानी लेने चले गए और दो गुलाम पंखा करने लगे। उठाया पालकी को किसने है, गुलामों ने। थक कौन गया, वो सेठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनको उसके बाद भी आराम नहीं, पंखा करना पड़ रहा है, वो सेठ थक गया है बैठा बैठा और वो पंखा ले रहा है, हवा खा रहा है। भाई मर्दाना ने जब ये सब देखा तो कहने लगा, गुरु नानक पाशाह एक सवाल है मेरे मन में कि भगवान एक है या दो हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह मुस्कुरा के कहने लगे, मर्दाना
निरंकार तो एक ही है, तुझे पता है। कहने लगा नहीं, आज डाउट हो गया है मन में, लगता है सेठ का भगवान कोई और है और इन गुलामों का कोई और। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ बैठा बैठा थक गया है, गुलामों को इतना मेहनत करने के बाद भी एक मिनट का आराम नहीं, दोनों का भगवान एक नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने यहाँ पर ज्ञान दिया मर्दानिया, ये बात भगवान की नहीं, ये बात कर्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े, वाणी कहती है एक मखमली बिस्तरों पर लेट रहा है। पुराने जमाने में ये पंखे नहीं होते थे जो घूमते हैं लाइट से, पुराने जमाने में गुलाम रात भर खड़े होकर रस्सी से पंखा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि रस्सी से कपड़ा बंधा होता था, वो पूरी रात खड़े रहकर पंखा जलते थे, सेठ आराम करते थे मखमली गद्दों पर। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, ये वाणी की पंक्तियां भी हैं। एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े, एक पूरी रात खड़े रह के पंखा कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? तेना सवारे नानका जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे इस सेठ ने नाम जपा था, इन मजदूरों ने नाम नहीं जपा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही अंतर है बस, ध्यान से समझना बात को। वाणी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी तीन काल सत है, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि इस सेठ ने नाम जपा था और इन मजदूरों ने नहीं जपा था, ध्यान से समझना। एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको, जिसके ऊपर नजर कर देता है उसकी सवार देता है। और यहाँ पे सवाल जो उठता है, नजर किसके ऊपर करता है? नजर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने सिमरन करना शुरू कर दिया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, समझ लेना उसके ऊपर नजर होने शुरू हो गई। ये सिमरन की ताकत है, सिमरन नाम की ताकत। इस बात को कई लोग नहीं मानते, कई लोग नहीं मानते कि पिछले कर्म होते हैं, तो बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते एक ही वक्त पर एक बच्चा झोंपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, झोंपड़ी में, और एक महलों में पैदा हो रहा है, एक झोंपड़ी में पैदा हो रहा है एक महलों में। अब तो दोनों ने कोई कर्म नहीं किए, ना कोई पाप ना पुण्य, तो फिर एक में इतना अंतर क्यों कि पैदा होते ही सारी जीवन मोहताजगी में जिएगा, गुलाम बनकर, एक खिलौने को भी तरसेगा, दूध को भी तरसेगा, और एक को पैदा होते ही सैकड़ों नौकर उसके गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म होते हैं पूरब ले, और ये वाणी कहती है हुण वत्ते हर नाम न बीजियो अग्गे भूखा क्या खाए। नाम की ताकत को समझो, बड़ी ध्यान से सुनना, ये बड़ी प्यारी घटना है। एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर चाय बेच रहा है, चाय बेचकर गाड़ी चली गई, केतली लेकर अपनी झोंपड़ी में चला गया जो स्टेशन के पास में ही है। थका हुआ है, शरीर चल नहीं रहा, इतना बुजुर्ग हो चुका है, बड़ी मुश्किल से वो चलकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा और घरवाली से कहने लगा दूसरी गाड़ी आने तक चाय और बना दे। और घरवाली भी बुजुर्ग, ताकत नहीं है शरीर में, पर क्या करे, मजबूरी है, चाय बना रही है। और वो बैठे बैठे से कहता है कि काश भगवान ने हमें औलाद दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, भगवान ने हमें औलाद दी होती तो वो कमा कर खिलाता, हमें इतनी बुजुर्गी में भी इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घरवाली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो क्या करे, चाय बनाकर केतली भर के दे देती है। वो चाय बेचने फिर चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, वो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हैं बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर। कई गाड़ी आई कई चली गई, पर ये किसी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पास में चला गया, बाबा आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में चढ़ना है मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा वो गाड़ी कभी आनी। तो वो बुजुर्ग दंपत्ति एकदम जैसी उनकी हालत है वैसी उनकी हालत, वो कहने लगे भाई हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो सुबह से ट्रेन से उतर कर यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे बेटे ने हमें चिट्ठी देकर
ट्रेन में चढ़ा दिया था कि बड़ा बेटा इस स्टेशन पर आकर ले जाएगा तुम्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एड्रेस दिया है घर का, ये चिट्ठी पढ़ के बता दो, हम तो अनपढ़ हैं, कि ये एड्रेस कहाँ पर है वहाँ पर हमें पहुँचा दो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना क्या कहता है, छोटे बेटे ने गाड़ी में चढ़ा दिया कि बड़ा बेटा लेने आ जाएगा, अगर किसी वजह से ना आए तो ये एड्रेस है वहाँ पहुँच जाना। उस चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी वो तो धरती पर ही गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में, कि ये मेरे माता पिता हैं, जिस किसी को ये चिट्ठी मिले कोई भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ा ना, झूठ बोला गया था कि बड़ा बेटा लेने आएगा। देखिए वो चाय वाले के मन में क्या विचार आया, कि मैं सोच रहा था कि मैं बे औलाद हूं, मुझे काम करना पड़ रहा है, इसके तो दो बेटे हैं, छोटा भी है बड़ा भी है, और कोई रखने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ये दृष्टांत देकर पूछा करते थे संगत से, बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, औलाद सुख देती है या नहीं देती है, आपको क्या लगता है औलाद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई सुख का और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी गलत फहमी है कि हमारी औलाद हमें दुख देती है, हमारी औलाद हमें सुख देती है। ये गलत फहमी है कि हमारी घर वाली दुख दे रही है सुख दे रही है, घर वाला दुख दे रहा है सुख दे रहा है। सुख और दुख मिलते हैं कर्मों से, तेरे कर्म अच्छे हैं तू अकेला बैठा है सुखी है, तेरे कर्म नेक नहीं तू राजगद्दी पर बैठा है तो भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे बनते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। अब यहाँ पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंफ्यूजन्स बहुत हैं। आज तक हमें यही नहीं पता चला कि सुख कहते किसको हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा सा विचार इस पर भी कर ले। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी पंक्ति है गुरबाणी की। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप के शुद्ध, तीजा पैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द पढ़ेंगे ना इतने प्यारे अर्थ हैं इसके, पाछा समझाते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कितने भी खिलौने दो उसे खिलौने से कोई मतलब नहीं, मिठाइयां दो कोई मतलब नहीं, उसे क्या पसंद है माँ की गोद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की गोद से उतारे गए रोना शुरू कर देगा, उसे माँ की गोद चाहिए बस, उसका सुख किसमें है माँ की गोद में। थोड़ा बड़ा हुआ अब माँ की गोद नहीं अब खिलौने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब खिलौना छीनो तो रोना शुरू, खिलौना दो तो चुप। पहले सुख किसमें था माँ की गोद में, अब कहाँ पे पहुंच गया खिलौनों में, एड्रेस बदल गया सुख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब बड़ा हुआ अब मित्र अच्छे लगते हैं, अब खिलौने नहीं चाहिए। उसके बाद घरवाली अच्छी लगती है, बाकी घर वाला कोई पसंद नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। का एड्रेस बदलते जा रहा है। पाछा समझाते हैं, अगर जिस चीज को तू आज सुख मान के बैठा है और तू गुरु को अरदास करता है कि मुझे ये चीज मिल जाए, क्या गारंटी है कि चार दिन बाद तुझे वो दुख नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। यही हम भूल कर बैठते हैं, गुरु के आगे अरदास करते हैं पाछा। एक मैं जनरल दुनियावी भाषा में अगर समझाऊं, एक लड़का को किसी से प्यार हो जाता है या लड़की को, वो अरदास करते हैं कि मेरी शादी इससे हो जाए, रोज अरदास करती है, गुरु ने सुन ली शादी हो गई,
अब जब असली चेहरा सामने आया वही सुख दुख बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब तलाक लेने के लिए अरदास करते कि पाचा तलाक हो जाए। बात को समझना, पाचा कहते हैं तेरी बेवकूफी है, तेरी मूर्खता है जिस चीज को तू सुख समझ के मांगता है गुरु से। हमें नहीं पता हमारा सुख किस में है। जो ज्ञानी है वो ये अरदास नहीं करता कि ये मिल जाए, वो ये अरदास करता है पाचा अगर तुझे भाए तो दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कभी ये अरदास मत करो कि ये चीज मिल जाए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें सुख है या दुख है, वो तो गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब किसी के रिश्ता करने जाओ कभी मत कहो कि रिश्ता हो जाए, अरदास करो पाचा अगर तुझे भाए तो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो कोई वीजा लगाने के लिए अप्लाई कर रहा है, वीजा नहीं लग रहा, वो उदास है, गुरु को अरदास करता है। पर जिसे ज्ञान हो जाए वो ये अरदास करता है पाचा तुझे भाई तो वीजा लगाना, नहीं भाई तो नहीं लगाना, क्योंकि पता है गुरु नानक को आगे उसमें दुख है कि सुख है। और जिसे ज्ञान हो जाता है ना और उसकी अरदास कबूल नहीं होती तो वो दुखी नहीं खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। के रुकावट गुरु नानक ने डाली है और गुरु नानक ने मेरा भला ही सोचा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन की वृथा वाणी कहती है और यह सच है। सुख दुख ये मन की अवस्था का नाम है। सुख कुछ होता ही नहीं, दुख कुछ होता ही नहीं, यह मन की अवस्था है केवल। अगर सोचने की शक्ति बदल गई, तरीका बदल गया तो सुख दुख में से आदमी सुख ढूंढ लेता है। और जिसे ये ज्ञान प्राप्त ना हुआ गुरबाणी का, ये कैसे होता है? बातों से नहीं होगा, ये होता है नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अमृत वेला संभालते हैं, पांच वाणियों का पाठ करते हैं, पांच वाणियां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों बनाई है? क्यों बनाई पांच वाणियां? इन पांच विकारों को काबू करने के लिए। जो पांच वाणियों का पाठ अमृत वेले उठ के करते हैं, ये पांच विकार उनके काबू में आ जाते हैं, सोचने का तरीका बदल जाता है, वो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो दुखी नहीं होता, वो दुख में से सुख ढूंढ लेता है। और ये सच है, एक दृष्टांत है, शायद इस दृष्टांत को सुनकर आपको बात समझ में आ जाए। एक घर वाला कुछ लिख रहा है, उसको लिखने की आदत है, रात को डायरी में कुछ लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है कि ये साल मेरा बड़ा ही बुरा बीता, बहुत बुरा बीता। इस साल मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर निकाल लिया गया। इस साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी साल मेरी बेटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसी साल मैं रिटायर भी हो गया, खाली हूँ, घर में बैठा हूँ, सबसे बुरा साल है मेरी जिंदगी का। ये घर वाला लिख रहा है। घर वाली सत्संग करती थी, अमृत वेले उठती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कमरे में आती है, कहती है ये साल मैं सोच रही थी कि ये साल हमारा कितना अच्छा बीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले ने पेन रख दिया कि कैसे अच्छा बीता तू बता। तो घर वाली क्या कहती है, देखिए आपको कितने महीनों से दर्द था कमर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपका ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकल गया, आज आप आराम से बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परिस्थिति दोनों की सेम है, मन स्थिति अलग है। जिस चीज को वो दुख मान के बैठा है घरवाली, उसे सुख पकड़ रही है। दूसरा कहने लगी देखो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, पर कितनी सहजता से गए, ना हॉस्पिटलों के धक्के खाने पड़े ना कुछ। 80 साल की उम्र में वो गए हैं, कितनी रात को सोए सुबह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कृपा है भगवान की हम पर। हमारी बेटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई, पर बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। परिस्थितियां दोनों की सेम है, एक ही घर में है घरवाली और घरवाला, पर मन स्थिति अलग है। जिस चीज को दुख में से वो सुख ढूंढ रही है, घर वाला सुख में से दुख ढूंढ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है सुख दुख इस मन की वृथा तुझ ही आगे सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये जो हम विचार कर रहे हैं कि सुख क्या है दुख क्या है, ये हम मैं बातें करके हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। एक बात को समझना, ज्ञान यहाँ पर ना सबको है, हर इंसान को यहाँ पर ज्ञान भरा पड़ा है दिमाग में। किसी के साथ बैठो उसके पास हजारों बातें हैं ज्ञान की, पर असल में ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान पता किसे कहते हैं? जिस पर इंसान चलता है। बाणी कहती है उतना ही तेरा ज्ञान है, बाकी तो सब नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। किताबें पढ़कर नॉलेज मिलती है, पर ज्ञान
गुरु देता है। भाई रे, गुरु बिन ज्ञान न होए। और ज्ञान का भाव पता क्या है? गुरु वो ताकत दे देता है। पता हम सबको है कि खाली जाना है, कुछ लेके नहीं जाना, पर सब लगे हैं जोड़ने में। पर जिसे गुरु ज्ञान दे दे तो फिर उसके जीने का ढंग बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को दृढ़ गुरु कराता है, ये होता है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं करा सकता, ये कोई नहीं करा सकता सिवाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, सिवाय गुरु नानक के ये कोई नहीं करा सकता। इसलिए जब अरदास करने के लिए खड़े होते हो ना, तो गुरु से यही मांगा करो, पाछा मेरी मत हर ले, गुरु मत दे दे, अपनी मत यहाँ भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि नाम की ताकत क्या है, नाम क्या क्या कर सकता है। जाता सब सुख इत उत तुम बंछवो, जाता सब सुख इत उत तुम बंछवो, गुरु 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 जप प्राणियो, गुरु 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 जप प्राणियो, 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 गुरु 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 जप प्राण, गुरु 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 जप प्राण। पंक्तियां ध्यान से सुनना, गुरु 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 गुरु, पांचवी बार गुरु है। पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, पांचवा गुरु, जप प्राणियों। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगवाइए, हाजिरी। गुरु 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 जप प्राणियों, गुरु 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 जप प्राणियों, गुरु सारी संगत गुरु 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 जप गुरु गुरु जप प्राणियों, गुरु जप प्राणियों, गुरु गुरु जप प्राणियों, गुरु 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 जप प्राण, गुरु 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 जप प्राण, गुरु 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 जप प्राण, गुरु 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 जप प्राणियों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता? हमारा मन वही काम करता है जिस पे लाभ दिखाई दे।
दुकान पे जाने का मन ना करे, फिर भी जाते हैं, नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने का मन इंसान का नहीं करता, मन मार के करता है, नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा, लाभ दिखाई देता है किसी भी प्रकार करता है। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मन को पता चल जाए नाम की ताकत का, ताकि अमृत वेले बड़े चाव से ये मन उठे और नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इस मन को दो बातें ही समझ में आती हैं, सुख और दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सेठ, सब कुछ है उसके पास पर दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वाणी कहती है सात संगत, सुख नाही बहुत है धन खाटे, सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख नाही बहुत है धन खाटे, तुझे लगता है कि बहुत पैसा कमा लेगा तो सुखी हो जाएगा। इस बाजे की वजह से ना सात संगत जी, कीर्तन का सदका, ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे लोगों के पास जाने का मिलता है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके पास पैसा कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसों के घरों में दास गया है कि वहां 5 मिनट बैठने का मन नहीं करता, इतने नेगेटिव वाइब्स होते हैं। 4-4, 5-5 हजार करोड़ की पार्टियां हैं वो, पर घर सारा नरक बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिलखते हैं, रोते हैं वो लोग, मैंने जैसे कोई बच्चा कैसे रोता है वैसे रोते हैं वो लोग, दुख से भरे हुए, पैसा इतना कि पता नहीं कितना, पर वाणी कह रही है ना, सुख नाही बहुत है धन खाटे। अगर तुझे लगता है कि बहुत पैसा कमा के तो सुखी हो जाएगा, तो ऐसा वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, पुराने जमाने में नाटक होते थे, नृत्य होते थे, आज के जमाने में फिल्में हैं। अगर तुझे लगता है कि तू फिल्में देखकर सुखी हो जाएगा तो नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख नाही बहुत देश कमाए, अगर तुझे लगता है कि सारी दुनिया के तू शेयर करके सुखी हो जाएगा, वाणी कहती है नहीं हो सकता। क्योंकि वाणी बड़ी एक एक पहलू बड़े प्यार से समझाती है, बड़ी गहराई से, कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, शर्त है बाहर सुख तो तब पाएगा जब तेरे घर में सुख होगा। घर ये ईंट पत्थरों वाला नहीं, हृदय को घर कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो, मन उसका दुखी हो, उसको शादी में ले जाके खड़े कर दो, किसी मॉल में ले जाके खड़े कर दो, उसे कोई चीज नहीं भाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। उसे सब कुछ बाहर का तब अच्छा लगेगा जब भीतर उसके सुख होगा। वाणी कहती है घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, पर कैसे, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जिसके हृदय में शब्द चल रहा है वो जंगल में भी सुखी, कहीं पर भी सुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात तो शब्द की है, नाम की आज बात हो रही है, नाम की। वो सेठ दुखी, एक साधु महात्मा बैठे वहां से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं सेठ। महात्मा देखे, सोचने लगा इनसे पूछूं कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चला गया महात्मा के पास कि महात्मा मैं बहुत दुखी हूं, कोई तरीका बताओ कि मैं सुखी हो जाऊं। महात्मा ने उसकी तरफ देखा तो देखा उसके हाथ में एक पोटली है, वो जो छाती से लगा के बैठा है सेठ। तो महात्मा समझ गया इसमें कुछ तो कीमती सामान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सेठ बार बार कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। महात्मा उठे, वो थैली उसे छीनी और भाग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सेठ हैरान हो गया कि मुझे लगा ये महात्मा ये तो चोर है, मेरे हीरे जवाहरात की थैली लेकर भाग गया। सेठ उसके पीछे दौड़ा, पर वो महात्मा पतले थे, फुर्तीले थे, सेठ मोटा था, पकड़ नहीं पाया, महात्मा निकल गए। सेठ बेचारा पेड़ के नीचे बैठा हाँफ रहा है और रो रहा है कि मैं दुखी था और दुखी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसी वक्त थोड़ी देर बाद महात्मा वापस आ गए, वो थैली उसकी झोली में फेंकी। सेठ ने थैली खोली, हीरे जवाहरात देखे, अपने गले से लगाए और बहुत खुश हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महात्मा कहने लगे सेठ सुख मिला? कहने लगा हाँ सुख मिला, बहुत सुख मिला, मेरी थैली वापस मिल गई।
महात्मा कहने लगे थैली तो तेरे पास पहले भी थी, तब तो तू दुखी था। पहले भी तेरे पास ही थी, तब तू दुखी था, अब तुझे वापस मिल गई तो सुखी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे सेठ जब तक तेरा सुख धन से जुड़ा हुआ है तू कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा, क्योंकि धन की स्थिति आना और जाना चलते रहना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक हमारे सुख इन साधनों से जुड़े हैं, जब तक पदार्थों से हमारे सुख जुड़े हैं, हम सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का एक ही तरीका वाणी कहती है, सुख नाही रे हर भगत बिना। हो ये पंक्तियां भी पढ़ ले, शब्द की बड़ी प्यारी। इन पंक्तियों को बड़े गा मिलकर गाओ, अपने मन को सुनाओ कि हे मन सुन, अगर तू यहां वहां सुख ढूंढता बैठेगा सुख नहीं मिलेगा, कहां है सुख? श्रवण कीजिए। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। जीत जनम ए रतन अमोलक, जीत जनम अमोलक। साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। सुख नाही भगत बिना, हर भगत बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता है सुखी कौन है साथ संगत जी? जो धन जमा करते हैं वो दुखी रहते हैं, ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए जन्म साखी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो धन को खर्च करते हैं वो सुखी रहते हैं। हमें बड़ी गलत फहमी है, हमारी कैलकुलेशन ही गलत है। हमें लगता है कि हमने जितना धन कमाया वो हमारा है। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, धन उतना ही उतना तुम्हारा नहीं जितना तुमने कमाया, उतना ही तुम्हारा है जितना तुमने खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमें पता है हम कितना खर्च करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो ज्ञानी है, ये छोटी छोटी बातें हैं बड़ी बड़ी कीमती है साथ संगत जी। इंसान कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये गलती मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू अपना सोच, अगर बच्चे नालायक हैं तेरा कमाया हुआ धन गवा देंगे, अगर लायक हैं तो खुद कमा लेंगे। तू अपना सोच, तू किस लिए आया है? भाई पर आपत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बढ़िया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिले साथ संगत पज। तू नाम जप, तू परवाह मत कर, बच्चे लायक है खुद कमा लेंगे, नालायक है गवा लेंगे। तू अपनी सोच, बच्चों की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख जब तक हमारे सुख पदार्थों से जुड़े हैं हम दुखी रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार पानी कह रही है। इस संसार में सुखी वही है जो प्रभु का सिमरन करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोले जिसे राखे सृजनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम, नाम वो ताकत है भिखारी ते राज करावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अगर यहाँ पर लिखा है, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे कम से कम 20 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, जैसे ही अमृत वेला संभाला, एक से दो दुकान, दो से तीन दुकान, तीन से चार दुकानें गुरु ने दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये क्यों हुआ? बाणी कह रही है कि ऐसा होना ही है, और ये बड़ी छोटी चीज है जिससे हम खुश हो रहे हैं। नाम ठीक है, ये बेसिक नीड्स है हमारी, पैसा चाहिए, पर उन्हें पता ही नहीं जो ये बात कह रहे हैं कि हमारी चार दुकानें हो गई। तू अगर अमृत वेला संभाल के तूने रखा तो गुरु नानक वो सुख तुझे दे देगा जो करोड़ों रुपए से नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ज्ञान मिल जाएगा कि दृष्टि बदल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो फिर चाहे, और ये अवस्थाएं है ना सत्संग, जो अरदास में कहते हैं जिन्होंने खोपरियां लवाइया चरखड़ियां तो चले, वो भी सीखते हैं। आर्या नल कटाए गए, शरीर आरों से काटा जा रहा है आधा, शरीर दो टुकड़े हो गए हैं, पर बाणी की आवाज आ रही है इको ओंकार सतनाम। श्री जपजी साहब जी की बाणी चल रही है कटे शरीरों में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था क्या है? दुख महसूस होना बंद हो जाता है। डॉक्टर आपको पता है जब ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगा देता है, सारा शरीर काट देता है, पर मरीज को पता नहीं चलता, कोई तकलीफ ही नहीं होती। ये अमृत वेले की नाम की ताकत है। जब नाम जपेंगे मन सुन हो जाता है, दुनिया को लगेगा इसके ऊपर दुख आया है, वो भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा नहीं होता कि दुख ना आए, ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता, ये बात को समझ लेना। ये जीवन मिला है, दुख सुख चलता ही रहेगा, दुख महसूस होने बंद हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम, एक पंडित, ये ऐतिहासिक घटना है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो दास अभी सुनाने जा रहा है। एक आदमी पंडित गांव में रहता है, उसका काम है घरों में जाकर पूजा करना, लोग दक्षिणा देते हैं, उसके ऊपर वो अपनी जीवनचर्या व्यतीत करता है, पर उसे कोई बुलाता ही नहीं पूजा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरे पंडितों को बुलाते हैं, इसे कोई नहीं बुलाता। घर वाली ताने मारती हैं क्योंकि लेनदार रोज सुबह घर के बाहर आकर पैसे मांगते हैं, धन मांगते हैं कि दे, राशन वाले मांगते हैं, जो भी जिससे जो जो सामान लेता है। घर वाली परेशान है, सबके सामने ताने मार के चले जाते हैं लोग, पर इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई दिन इस प्रकार बीत गए, घर वाली कहने लगी अगर आज शाम को कुछ कमा कर नहीं लाए तो जाकर नदी में डूबकर मर जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंडित पहले ही मन मुरझाया हुआ, कोई बुलाता नहीं, घर वाली के ताने, लेनदारों के ताने, मन बना लिया कि आज मैं नदी में छलांग मारकर अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, सात संगत जी बाणी में दर्ज है। भाई गुरदास जी की वारों में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम हो गई, कहीं से कोई काम नहीं आया, किसी ने पूजा के लिए नहीं बुलाया, तो ये जंगल में चला गया, वहां जाके बैठ गया और सोच रहा है कि अभी छलांग मारूं, अभी छलांग मारूं। आधी रात बीत गई, अमृत वेला हो गया, इसने मन बना लिया छलांग मारने का,
कि अब अपने प्राण त्याग देता हूँ, उठा और नदी के पास जाने लगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जैसे ही वहां पहुंचा उसे कानों में आवाज पड़ी, राम 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 राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके पांव रुक गए, इस राम के नाम में इतनी कशिश थी कि इसके पांव रुक गए। जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ चल दिया। जब वहां पहुंचा क्या दिखता है, एक महात्मा, अमृत वेले का समय है, समाधि स्थित है और राम नाम का जाप कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भी जुड़ गया राम के नाम में। जब सुबह हुई, भोर हुई, तो ये चरणों में गिर पड़ा महात्मा के और अपनी सारी व्यथा सुनाई कि मैं कैसे आत्महत्या करने जा रहा था, आपके राम नाम की आवाज आई, मेरे कदम रुक गए और मैं यहाँ पे आकर बैठ गया। तो महात्मा ने कहा, एक बात का जवाब दो, आप पंडित हो, लोगों के घर में जाके पूजा करते हो, कभी राम नाम का जाप अपने लिए भी किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इसके सर झुक गया, सर झुक गया इसका। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे सात संगत जी के, कीर्तनीय और ज्ञानी कथावाचक लोगों को सुनाने के लिए तो करते हैं कीर्तन, कभी अपने लिए भी किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, किसी को लेना हो तो ले ले, कि जो कीर्तनीय होते हैं उनका नेम दूसरों से कम चार गुना होना चाहिए, तब उनके कीर्तन में रस आएगा, लोग सुनेंगे, नहीं तो नहीं पसंद करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि लोगों की वाई वाई होती है, कीर्तनों को वड़ियाई, कीर्तनों को सम्मान मिलता है। अगर उनका जीवन ऊंचा नहीं है, उनका नितनेम नहीं है, तो वो खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने कहा कि मैंने कभी राम नाम का जाप अपने लिए नहीं किया, तो महात्मा कहने लगे, ये अमृत वेले की ताकत है, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, अमृत वेले उठ के राम का नाम जप कर देख, तू आत्महत्या करने जा रहा था? वो महात्मा कहने लगे, ये नाम की ताकत को पहचान, तू सिमरन करके तो देख, सारी दुनिया के पदार्थ तेरे कदमों में होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसे पहली बार राम के नाम में रस आया था और रस लेना शुरू कर दिया एक ही दिन में इसने। अब ये रोज सुबह घर से निकल जाता है, जंगल में जाके बैठ जाता है, रोज सुबह निकल जाता है, शाम को वापिस आ जाता है और रात को फिर चला जाता है, जंगल में नदी में स्नान करता है, अमृत वेले भी राम नाम का जाप करता है। घरवाली पूछती है, अभी कहाँ चले जाते हो रोज, कोई काम मिला? तो इसी ने झूठ बोल दिया जान छुड़ाने के लिए कि राजा के दरबार में मुझे नौकरी मिल गई है, मैं उन्हें भगवत गीता सुना रहा हूँ और राजा जिस दिन खुश होगा बहुत सारे पदार्थ भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब घरवाली खुश हो गई, ताने मारने बंद कर दिए, लेनदारों से भी कह दिया कि राजा के दरबार में नौकरी मिल गई है इन्हें, राजा जिस दिन देगा धन खुश होकर तो आप सबका मैं उधार चुका दूंगे। कई महीनों तक ये यही कहता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और लेनदारों ने कितनी देर इंतजार करेंगे, फिर आने शुरू हो गए। ये रोज चला जाता सुबह जंगल में बैठ के राम नाम का जाप करता, शाम को आ जाता, रात को फिर चला जाता, सुबह फिर आ जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
एक दिन घरवाली ने फिर से कह दिया कि तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, राजा से मांगते हो नहीं। कहते हो राजा देगा, कब देगा? आज शाम को राजा से अगर मांग कर नहीं लाए धन, तो मैं बच्चों के समेत खुद जाकर नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन बातों ने उसे बहुत चोट पहुंचा दी। मन ठोकर खा गया इसका, दुखी मन से आज गया वापस नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि लीन हो गया राम के नाम के जाप में, लीन हो गया। और इसका नाम पता क्या है इतिहास में आया है? बेनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु बेनी भगत। इसकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। एक आदमी, ध्यान संगत जी ध्यान देना, एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा है, आज हम उसे माथा टेकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नाम की ताकत। आज शाम को उसका मन इतना दुखी हुआ कि वो घर गया नहीं, समाधि स्थित हो गया। और क्या कर रहा है? राम 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 राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज इसका मन जुड़ गया, लिव जुड़ गई राम के नाम में। और जिसके नाम में लिव जुड़ गई, उसे चिंता होने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस राम ने क्या किया? उस देश के राजा का भेष धारण किया, सैनिक साथ में लिए, अनगिनत खजाने साथ में लिए, और गांव में पूछते जा रहा है कि बेनी भगत का घर कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सारा गांव हैरान के राजा खुद हाथी पे सवार होकर पूछ रहा है कि बेनी भगत का घर कहाँ है। क्या भगवान को पता नहीं था? पर अपने भगत को वड्याई देनी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा गांव इकट्ठा हो गया, उसे घर तक ले गए तो भगवान थे वो। उन्होंने अपने सैनिकों से कहकर वहां पर महल बनवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरों में भंडार भरवा दिए और कहने लगे, बेनी मुझे रोज कथा सुनाया करता था, बड़ा मन को सुख होता था, कभी उसने कुछ मांगा नहीं, तो मेरा मन किया कि मैं खुद जाकर उसे उसके घर पदार्थों से भर दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम खुद आए, उसका घर पदार्थों से भर दिया, घरवाली खुश हो गई। और यहां पर बेनी भगत जुड़े बैठे हैं राम के नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह हुई, समाधि खुली, बड़े मुरझाए हुए मन से वापस जा रहा है कि वहां पर पता नहीं क्या दृश्य होगा। पर जब वहां पहुंचा और घरवाले ने सब बताया कि राजा आए थे, तो बेनी भगत को समझने में देर नहीं लगी, मैंने तो झूठ कहा था, तो राजा कौन था? खुद राम आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो आदमी, साथ संगत जी, विचार करने वाली बात यहाँ पर यह है, एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा है, आज उसकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। कैसे? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो। नाम, राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, नाम क्या? जनरल अयूब खान। कौन नहीं जानता उन्हें? उनको पता ही होगा, बहुत लोगों ने घटना सुनी होगी। एक छोटा सा बालक गुरुद्वारे में चला जाता है रोज, स्कूल के कपड़े पहने होते हैं पर स्कूल नहीं जाता। ज्ञानी जी ने नोट किया कि रोज बालक यहाँ पर आते खेलता रहता है, स्कूल नहीं जाता। कहने के, भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता? स्कूल के कपड़े पहनकर आ जाता है। कहने का, टीचर मारती है बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे डर लगता है क्योंकि पढ़ाई मेरे दिमाग में जाते ही नहीं, जो समझाती है मुझे समझ में नहीं आता, और जब सवाल पूछती है मैं जवाब नहीं देता तो वो बहुत पीटती है। तो मैं घर से तैयार होकर तो आ जाता हूँ स्कूल के कपड़े पहनकर, पर मैं स्कूल नहीं जाता, जब छुट्टी होती है तो घर चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ज्ञानी जी ने उसे, उस बालक को एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? आओ ये भी गा ले। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच
है भी सच नानक होसी भी सच। ज्ञानी जी कहने लगे ये मूल मंत्र है, इसे पढ़ता रहे, इसे याद कर ले, लिख कर दे दिया। तू ये पढ़ते पढ़ते जाएगा ना, टीचर मारेगी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे के मन में थोड़ा सा विश्वास जागा, वो मूल मंत्र उसने याद कर लिया, पढ़ते पढ़ते गया और सचमुच आज टीचर ने उसे डांटा भी नहीं, मारा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। विश्वास बढ़ गया, दिन रात जपना शुरू कर दिया उसने मूल मंत्र। भारत से एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया और जनरल अयूब खान के ड्राइंग रूम में बैठा है राष्ट्रपति पाकिस्तान के। उनमें से एक सिख जिसे उर्दू पढ़ने आती है, उसने देखा कि फ्रेम में सुनहरे अक्षरों में, सोने के अक्षरों में मूल मंत्र लिखा हुआ है उर्दू में। उसने सवाल किया राष्ट्रपति से, ये आपने यहाँ पे क्यों लगा रखा है, आपको पता है ये क्या है? तो राष्ट्रपति अयूब खान के ये वचन हैं, ये बोल लिखे हुए हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना कह सकता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ इसके बदौलत हूँ, इसके बदौलत। मैं वो बच्चा था जिसकी दिमाग में पढ़ाई जाती ही नहीं थी, बट जब से मैंने मूल मंत्र पढ़ना शुरू किया पढ़ाई ऐसे दिमाग में जाने लगी, एक बार जो पढ़ लेता हूँ भूलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो बच्चा जो स्कूल डर के नहीं जाता था, मूल मंत्र ने उसे राष्ट्रपति बना दिया पाकिस्तान का। एक मुसलमान बच्चा जिसे पता नहीं ये क्या है, मूल मंत्र जप कर राष्ट्रपति बन सकता है। हम कब जागेंगे, हमें कब पता चलेगा नाम की ताकत का? वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम में सारे सुख हैं। हम दुखी होकर जीने को तैयार हैं पर नाम जपने को तैयार नहीं। मन ही मन प्रण करो कि पाछा ये अमृत वेला का जो तूने ज्ञान दिया है, अमृत वेला उठ के तेरा नाम जपे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे सफर में हो, अमृत वेला गुरु नानक को दे दो। ये गारंटी देता है दास गुरु साहिब जी के हजूर में, आप अमृत वेला संभाल लो, गुरु नानक आपको संभाल लेगा। किसी प्रकार नेम निभा लो, किसी प्रकार गुरबाणी की ताकत को पहचानो। ये ताकत क्या है, ये शब्द आपने सुना होगा, मिल मेरे प्रीत माजियो तुझ बिन करी निमाणी, मिल मेरे प्रीत माजियो तुझ बिन करी निमाणी, मैं नैनी नींद नावे जियो, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न न पानी, पावे अन्न न पानी, मिल मेरे प्रीत मा जियो शब्द धुन सुनी है सबने, ये बड़े ही कमाल के कीर्तनी हुए हैं भाई सुरजन सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब YouTube पे सर्च करेंगे ना भाई सुरजन सिंह जी आशाई दीवार, एक बार इनकी आशाई दीवार सुन लीजिए, आपको दूसरे किसी कीर्तनी की आशाई दीवार भाएगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना दर्द इनके कीर्तन में, ये धुन उनकी बनाई हुई है और ये धुन इतनी प्रचलित है कि हर कीर्तनी ऐसे गाता है। हरमंदिर साहब में जब ये वो गाते थे तो सारी परिक्रमा भर जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इनका जीवन सुन लीजिए, भाई सुरजन सिंह जी कीर्तन करने गए हैं बाबा नंद सिंह जी के बाद, जिन्होंने सेवा संभाली बाबा ईश्वर सिंह जी, दरबार लगाया उन्होंने, सारे रागी हाजिरी भरते, इन्होंने भी हाजिरी भरी। महापुरुषों के पास जब अंदर गए, उन्होंने सत्कार दिया तो देखकर हैरान हो गए, उन्होंने देखा कि है कीर्तन या गुरु का,
पर इनके जगह जगह से कपड़े फटे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चिथड़े लगे हुए हैं तो महापुरुषों ने कहा भाई है गुरु का कीर्तन या तो इतने फटे कपड़े क्यों पहन रखे। तो भाई सुरजन सिंह जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे पाछा पता नहीं क्या बात है, और भी कई कीर्तनी है, उन्हें प्रोग्राम मिल जाते हैं, लोग बुलाते हैं, हमें कोई बुलाता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बेटा मिलते ही नहीं, पैसे घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से घर चलता है, कोई कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाता, इसीलिए पैसे नहीं है, गरीबी है बहुत। तो बाबा ईश्वर सिंह जी हैरान हो गए, गुरु का कीर्तन या, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि गुरु नानक का आहार है कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी कीर्तन मतलब साध संगत जी ये नहीं कि बाजे तबले के साथ ही करना है, आप लोग भी कोई भी कर सकता है। गुरु नानक को हाजिर नाजिर जानकर बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कोई एक शब्द सुना दे जो चाहे गुरु नानक से मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे हो गुरु का कीर्तनिया और इतनी दरिद्रता। उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने के बाद खोली और कहने लगे ओहो जिस दुकान में सौदा ही नहीं है सामान लेने कौन आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी कहने लगे अच्छा बताओ बात समझ में नहीं आई। कहने लगे तेरा नितनेम क्या है। आंखें नीचे कर ली, कहने लगे हो गुरु का कीर्तनिया और तू पांच बाणियों का पाठ तक नहीं करता, तेरे कीर्तन में रस कहां से आएगा, जब रस नहीं है तो कोई सुनेगा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सुरजन सिंह जी कहने लगे ये उन्होंने खुद लिखी हुई है सारी घटना, सुनाई भी है उन्होंने, और कहने लगे तो आप बताइए अगर बीमारी बता दिया तो उसका इलाज भी बता दीजिए। बाबा ईश्वर सिंह कहने लगे इलाज तो कमाल का है पर तू करेगा। कहने लगे क्यों नहीं करूंगा। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे फिर एक काम कर, रात को 12:30 बजे स्नान करके बैठ जाया कर, 1 बजे 1:30 बजे जितने बजे तेरे पास समय हो स्नान करके बैठ जा और मूल मंत्र जपता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोशिश कर नेम बना 40 माला मूल मंत्र रोज करनी है 40 दिनों तक केवल, देख कैसे गुरु नाम के रंग लगाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी लिखते हैं कहते हैं कि मैंने भी प्रण कर लिया कि मैंने करना है, और कहने लगे 10 के 11 दिन हुए थे केवल, 10 से 11 दिन एक प्रोग्राम मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना लिखी है उन्होंने कि एक प्रोग्राम मिल गया, जब प्रोग्राम करके कीर्तन करके वहां से उठे तो एक सेठ वहां जो कीर्तन सुन रहा था वो कीर्तन से प्रभावित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। बड़ा सेठ था, उसने बाजे हमारे उठाने शुरू कर दिए कि आओ मैं टांगे तक छोड़ आता हूँ बाजे। तो सुरजन सिंह जी कहने लगे भाई हमारे पास तो टांगा है नहीं, हम तो बाजे सर पे उठा के लेके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ इतना प्रसन्न हुआ उनके कीर्तन से, कहने लगा आपके पास टांगा भी नहीं है, टांगे के लिए पैसे भी नहीं है। अपने जेब में हाथ डाला, चाबी निकाल के दीजिए, नीचे गाड़ी खड़ी है, आज से आपकी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी कहने लगे हम हैरान हो गए कि एक कीर्तन किया है, कीर्तन तो हम पहले भी करते थे, कीर्तन तो हम पहले भी करते थे, कोई सुनता नहीं था, आज ये सेठ एक कीर्तन सुनकर गाड़ी की चाबी दे रहा है। और उस जमाने की बात है साथ सके थी, गाड़ी किसी किसी के पास होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाड़ी की चाबी दे दी कि गाड़ी ले लो, तो सुरजन सिंह कहने लगे मैंने हाथ जोड़ दिए भाई ये तो हाथी दरवाजे पे बांधने वाली बात है, गाड़ी तो ले लूंगा पेट्रोल कौन डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ ने उसी वक्त अपने हाथ में एक डायरी निकाली, कुछ रुका लिखा, कहने लगा फलाने पेट्रोल पंप पे रोज जाकर पेट्रोल डलवा लिया करो जितना चाहिए हो, पैसे हर महीने जाके मैं भर दिया करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सुरजन सिंह जी ने कहा हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, तो कहने लगे ये ड्राइवर भी मैं देता हूँ, उसकी तनख्वाह भी मैं दे दिया करूंगा, बस आप ले जाओ इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भाई सुरजन सिंह जी जिसे कोई सुनता नहीं, एक प्रोग्राम नहीं मिलता, फटे कपड़े पहने हैं, अमृत वेला संभाला, मूल मंत्र का जाप किया, दिनों में बाजी पलट गई साध संगत जी। आज वो दिन आ गया जब वो हरमंदिर साहब में कीर्तन करते हैं परिक्रमा भर जाती है, कीर्तन में रस आ गया, कैसे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये जुगती हर जगह काम करती है, नाम की ताकत को पहचानो, आपकी दुकान नहीं चलती सामने वाले की चलती है, जेलेसी मत करो, नित नेम बड़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नाम की ताकत को पहचानो, नाम करता क्या है। एक आत्महत्या करने जा रहा है आदमी, उसका वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, भगत बेनी जी, सुरजन सिंह जी, रागी जी, ऐसी हजारों मिसालें भरी पड़ी हैं आज की भी और ऐतिहासिक भी, कि नाम जपने से वो लोग, वाणी कहती है नाम जपत और चौकुंट माने, जिस नीच को कोई ना जाने, जिस नीच को कोई जानता नहीं, नाम जपेगा सारा संसार उसकी पूजा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्यों ना जपे नाम, इस मन को समझाओ, इस लालची मन को, हे मन उठ नाम जप, सुख नाही रे हर भगत बिना, उठ नाम जप, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, नाम जप, मन को समझाओ, इस जुग में शोभा नाम की विण नावे, शोभ न होए इस माया की शोभा, चार दिहाड़े जानदी बिलम न होई, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम केवल धन की बात नहीं कर रहा, ये रक्षा करता है। कई लोग धागे बांधते हैं हाथों में, काले धागे, और उन्हें कहा जाता है कि ये रक्षा करेंगे, कमाल की बात है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, जब तू माता के गर्भ में था कौन सा धागा बांधा हुआ था तुझे, तेरी रक्षा वहां किसने की, नाम ने। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे, वहां पर अपना सिमरन देके तेरी रक्षा की नाम ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस नाम ने तेरी माता के गर्भ में अग्नि में रक्षा की है, संसार में कैसे नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप अमृतसर जाते हो हरिमंदर साहब, राजासन सिंह एयरपोर्ट, आज इसका नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले इसका नाम राजासन सिंह एयरपोर्ट हुआ करता था। इसके पीछे घटनाएं बड़ी प्यारी, आपको पता है इस एयरपोर्ट की खासियत है, दुनिया का ये निराला एयरपोर्ट है, एक ही ऐसा एयरपोर्ट है कि जिसके रनवे के ऊपर गुरुद्वारा बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप जब जाएंगे तो वहां पे दर्शन करके आना, सुबह 6 से 8 खुलता है ये। रनवे के ऊपर गुरुद्वारा, ऐसा कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अब रनवे के ऊपर गुरुद्वारा, जब ये एयरपोर्ट बन गया ना गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा कौन था, किनका था, बाबा आनंद सिंह जी के साथ एक महापुरुष हुए हैं राजा संसी वाले, उन्होंने वह बैठ के जप किया था, तप किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत देखो, जब तक इंसान जीता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मरने के बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट्स आने जाने लगी, पर जो पायलट थे वो हैरान होते थे, उन्हें ऊपर रुकना पड़ता था, क्यों, संगत दर्शन करने जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कंप्लेन पहुंच गई दिल्ली में कि ये क्या बात हुई, रनवे के ऊपर गुरुद्वारा, इसे बंद किया जाए, कि हमें ऊपर आधा आधा घंटा खड़ा करते रखते हैं कि संगत दर्शन करने गई है, रनवे पे प्लेन लैंड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया गुरुद्वारा बंद कर दिया जाए, तो गुरुद्वारे को ताला लगा दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब प्लेन उड़े अमेरिका से, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमेरिका, लंदन, सब जगह से प्लेन आए, पर नीचे उतर नहीं पाए। हर पायलट ये कह रहा है कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जीती जाती मिसाल है आज की, साइंस हैरान है। हर पायलट ये, एक पायलट कहे, दो पायलट कहे, कोई भी पायलट ये कह रहा है मौसम साफ है, पर नीचे कुछ रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा, प्लेन उतारे कहाँ पे, सब वापस चले गए। तो वापस मीटिंग बैठी कि कोई तो गलती हुई है हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात समझ में आ गई कि गुरुद्वारे को ताला लगाया है, और गुरुद्वारा कोई आम नहीं, यहाँ पर किसी महापुरुष ने बैठकर तप किया है। तो आखिर में ये फैसला किया गया कि इतने से इतने समय तक ये गुरुद्वारा खुलेगा और फिर रनवे भी चलेगा। आज भी फ्लाइट्स के टाइमिंग चेंज कर दिए जाते हैं उस गुरुद्वारे के हिसाब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रनवे के ऊपर से गुरुद्वारा नहीं हटा पाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, संगत वहां जाती है, दर्शन करती है, उसके बाद फिर प्लेन लैंड करते हैं। नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने मन को समझाएं क्या, सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना, सुख नाही रे
भगत बिना हर भगत बिना जीत जनम रतन अमोलक जीत जनम रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना साध संगत जप एक खिना सुख नाही रे हर भगत बिना हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना हर भगत बिना सुख नाही बहुते धन खाटे सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहुत देश कमाए सर्ब सुखा हर हर गुण गाए बहु रंग माया बहु विद पेखी कलम कागज से आणप लेखी मेहर मलूक होए देख्या खान ताते नाही मन तृप्तान सो सुख मोको संत बताओ सो सुख मोको संत बताओ तृष्णा बूझे मन तृप्ताओ तृष्णा बूझे मन तृप्ताओ सो सुख मोको संत बताओ सो सुख मोको संत बताओ मेहर मलूक होए देखिया खान ताते नाही मन तृप्तान दुनिया के सारे सुख भोग कर देख लिए मैंने मेरा मन तृप्त नहीं हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। असल में ये सारी पुकार जो हम जो बात कर रहे हैं ना सत्संग जी ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ पाने की इच्छा है पाने की इच्छा भाव ये दुनियावी बात नहीं जिनको अवस्थाएं पाने की इच्छा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अब ये अवस्था क्या होती है बड़े ध्यान से छोटी सी बात आपको समझा दूं कुछ शायद कुछ मिल जाए। किसी को वासना तंग करती है किसी को क्रोध तंग करता है किसी को हर किसी को कोई ना कोई चीज तंग करती है किसी को पांचों तंग करते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक एक कर कर इन पे काबू पाना ये बड़ा आनंद है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बहुत बड़ा आनंद है और ये अवस्था बिना गुरु की कृपा के नहीं मिलती है और गुरु कृपा उनके ऊपर करते हैं जो प्रयत्न करते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बिना प्रयत्न के नहीं आलसी लोगों पर नहीं कृपा होती जो अमृत वेले उठते हैं
जतन करते हैं, गुरु को रिझाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। एक एक करके उनकी अवस्थाएं ऊंची होती जाती है, एक एक सीढ़ी करके अवस्थाएं ऊपर होती हैं, और फिर एक दिन आता है जीवन मुक्त की अवस्था हो जाती है। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? कई लोगों के मन में ये विचार होता है मरने के बाद भगवान के दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जो कुछ होता है जीते जी होता है, जिसे जीते जी दर्शन नहीं हुए मरने के बाद क्या होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन मुक्त वो अवस्था है जिसने अपने जीते जी अपने मन को मार लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर काबू पा लिया, वो है जीवन मुक्त अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सौ बात की एक बात साथ संगत जी, अगर दुनियावी सुख चाहिए तो भी नाम जपना पड़ेगा, परमार्थ के सुख चाहिए तो भी नाम जपना पड़ेगा। अब जप लो नाम, जितना समय बीत गया बीत गया। बार बार दास एक बात कह रहा है कि बच्चा एक साल स्कूल में फेल हो जाए हमें टेंशन होती है, हमारा जीवन यहाँ व्यर्थ जा रहा है पूरा, और हमें टेंशन नहीं है, पूरी बाजी हार रहे हैं। जितना समय बीत गया प्रण करके जाओ कि पाछा मर जाऊंगा पर अमृत वेला संभालूंगा, किसी भी प्रकार अमृत वेले उठ के नाम जपूंगा। ये अमृत वेले जपने का मतलब ये नहीं कि दिन में नहीं जपना है, ये तो स्वाभाविक ही अंदर चल, जिसने अमृत वेला संभालिया ना सात संगत जी, स्वाभाविक ही उसके भीतर सुबह एक शब्द चलता रहता है, वो काम भी कर रहा होगा उसके भीतर एक शब्द चलता रहता है, ये अमृत वेले की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम नाम तुल किछु अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम को अगर दुनियावी भाषा में समझना हो तो इस प्रकार बाबा नानक सिंह जी समझाया करते थे कि किसी ने बड़ी प्यारी चिट्ठी लिखी, चुन चुन कर अक्षर लिखी, चिट्ठी को लिफाफे में डाला, पोस्ट ऑफिस में भी डाल दिया। शायद यंग जनरेशन ये ना समझ पाए क्योंकि आजकल तो चिट्ठियाँ होती ही नहीं है, पहले चिट्ठियाँ होती थी, लिखो पोस्ट ऑफिस में डालो तो फिर पोस्टमैन निकाल कर लेके जाता था, दूसरी जगह पहुँचा कर आता था। बाबा नंद सिंह जी इसका उदाहरण देते थे, कहते सब कुछ लिखकर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल दी पर चिट्ठी पहुंची नहीं, वापस आ गई। गलती कहाँ हुई? कि चिट्ठी के ऊपर नहीं लिखा था नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे नाम की ताकत को पहचानो, नाम नहीं लिखा सब कुछ व्यर्थ हो गया। जितने भी नेक काम कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, जितने भी नेक काम कर लो, अगर साथ में नाम नहीं है तो वो ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी भूखों को खिला देना अच्छी बात है पर बड़ी बात नहीं, किसी नंगे का तन ढक देना अच्छी बात है बड़ी बात नहीं, बड़ी बात किसी टूटे हुए को नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम नाम तुल कछु अवर न होए, नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम फितरत बदल के रख देता है। एक आखिरी घटना सुनाकर दास समाप्ति करेगा, मुझे पता है समय हो गया है पर मन है आज आखिरी दीवान है कि जितना ज्यादा समझा सकूं समझा दूं, पता नहीं किसका जीवन बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सच्ची घटना है, संत करम सिंह जी होते मर्दान वाले, आपने नाम सुना हो, बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं संत करम सिंह जी होते मर्दान वाले। मर्दान का इलाका है ये, उस समय बहुत गिनती में पठानों का राज था वहां पर, पठान थे बहुत गिनती में, और उनमें से एक पठान का नाम आया अब्दुल गफार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान है मुसलमान पर कभी दरगाह नहीं गया, कभी नमाज अदा नहीं की, और दुनिया के जितने गलत काम है सब करता है, बंदूकधारी अपने साथ रखता है, जो चाहे जिसके साथ गलत करता है कोई रोकने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने दुनिया के पाप हैं, जितने अपराध हैं, सारे करता है ये। एक दिन बाजार से गुजर रहा है, इसकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ गई, मन में वासना जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन में पाप आ गया कि इसे उठा लेना है,
इसे अपनी बेगम बनाना है। पर जब उसके बारे में पता किया तो घबरा गया, प्यार से बोले धन गुरु नानक कि ये फलाने पठान की घरवाली है और वो भी बहुत ताकतवर है, इससे भी ज्यादा, अब यहाँ पे बस नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जितने पाप करता है जो चाहे कर लेता है, पर यहाँ पर बस नहीं चल रहा क्योंकि सामने भी ताकतवर है। पर इसका ध्यान बस उस स्त्री में ही लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दिन रात इसका ध्यान उसी में, न खाने में ध्यान, न पीने में, न सोने में, कुछ काम नहीं कर रहा, उदास बैठा रहता है। एक मित्र मिलने आ गया जो महापुरुषों की संगत करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जानता था ये कैसा है पर फिर भी मिलने आ जाता था, हो सकता है कभी ये सुधर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब इसकी हालत देखी, पूछा कि क्या बात है, इसने बताया कि फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है। वो मित्र समझाने लगा, तेरी तीन तीन बेगमें हैं खूबसूरत, तो क्या बात कर रहा है। उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर अब्दुल गफार खान माने ही ना, मुझे किसी प्रकार के भी उस बेगम को अपनी बेगम बनाना है, कोई रास्ता बता। तो उसने हाथ जोड़ दिया, भाई ये पाप का रास्ता मैं तो नहीं बता सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना घटिया तेरी सोच कि दूसरे की बेगम पर तेरी बुरी नजर और उसे अपनी बनाना चाहता है। पर आखिर में इसके मन में विचार आया, क्यों ना ये बहाना आज मिला कि इसे महापुरुषों से मिला दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, एक हैं जो तेरी मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, पूरन महापुरुष हैं कमाई वाले, इनके पास चला जा, ये तुझे रास्ता बता देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। घटना को बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी, नाम की ताकत, नाम कैसे इंसान की फितरत बदलती है, सोच बदलती है। अमृत वेले चला गया और संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले समाधि में स्थित हैं। जब समाधि से खोले तो ये जोर जोर से बैठकर वहां रोने लगा और क्या कहता है, महापुरुषो फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है, कोई रास्ता बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। महापुरुष हैरान हुए कि पहली बार एक आदमी आके ऐसी बात कर रहा है, का रास्ता पूछ रहा है और सीधा सीधा पूछ रहा है कि फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले थे, कहने लगे हाँ एक तरीका है, हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का क्या तरीका, महापुरुष कहने लगे पर तू कर नहीं पाएगा, तू रहने दे। कहने लगा नहीं मैं कर लूंगा। कहने लगे नहीं तेरे बस की बात ही नहीं है। कहने लगा मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो महापुरुष कहने लगे फिर सुन ध्यान से, रात को 2 बजे उठ जाया कर। कभी उठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कहने लगा आज तक नहीं उठाऊ। कभी नमाज अदा की है, कहने लगा नहीं। कभी अल्लाह अल्लाह का नाम जपा है, कहने लगा नहीं। महापुरुष कहने लगे फिर एक काम कर, 2 बजे उठ, स्नान कर ले, अपने कमरे में किसी से बात नहीं करनी, एक कोना पकड़ कर वहां बैठ जा, तस्बीह फेरते जा, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह फेरते जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब सुबह हो जाए, पहली नमाज का वक्त हो जाए, मस्जिद में चले जाना। वहां पर भी तुझे चाहे कोई कितना भी बुलाए, तूने बात नहीं करनी, तूने अपनी नमाज अदा करनी है और चुपचाप वापिस आ जाना है। और पूरा दिन भी किसी से बात नहीं करनी और बैठकर पूरा दिन तस्बीह फेरनी। कहने लगे केवल 40 दिन ऐसे कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर लेगा तो अब्दुल गफार खान कहने लगा कि मेरी इच्छा पक्का पूरी हो जाएगी। महापुरुष कहने लगे हाँ जो भी तेरी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया, इसके पास जो शस्त्रधारी गनमैन थे उन्हें इसने भेज दिया कि चले जाओ यहां से। अब रात को उठा 2 बजे, बेगम हैरान, स्नान करके कोना पकड़ के तस्बीह पकड़ के बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तीनों बेगमें आप में विचार कर रही कि इसको क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब सुबह के 4:30 बजे मस्जिद में जाने का समय हो गया, चल पड़ा मस्जिद में, गया, सारे लोग देखकर हैरान, ये कहाँ से मस्जिद में आ गया, अत का पापी, आज तक ईद के समय भी मस्जिद में नहीं आया है और आज ये आया है मस्जिद में, पर चुप करके देख रहे हैं। अब अजान के वक्त इसने कभी नमाज अदा ही नहीं की, दूसरों को देख देख के कर रहा है।
लोगों ने इसे पूछने की कोशिश की पर महापुरुषों ने कहा था किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, बात नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नमाज अदा करके वापस आ गया, लोग बड़े हैरान, मौलवी बड़े हैरान कि क्या हो गया है इसे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, लोग इसके पीछे इसकी बुराइयां करते थे, आज आपस में विचार करते हम तो गलत थे, ये तो कोई पीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ना किसी से बात करता है, ना किसी से कोई बात, ना कोई बातचीत, ना कुछ मिलना गिलना, केवल तस्बीह फेरता है दिन रात, अल्लाह अल्लाह करता है, और मस्जिद में भी आता है तो नाम जपता है, बस। इसकी वाह वाह होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके कानों में आवाज पड़ रही है लोगों की कि ये तो कोई पीर है, और ये मन ही मन सोच रहे मैं तो किसके लिए कर रहा हूँ इन्हें पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10-11 दिन बीते, इसने दरवाजा खोला, देखा बाहर भीड़ खड़ी है, उन्होंने इसके गले में फूल मालाएं डाली, लोगों ने फूलों की वर्षा की कि हमसे भूल हो गई, हम तो आपकी बहुत निंदा करते थे, आप तो कोई पीर हो जो खुदा से जुड़ा हुआ है, हमें आशीर्वाद दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये हैरान कि मेरे मन में तो पाप है कि फलाने की बेगम अपनी बनाने, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं तो मजबूरी का मारा अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं बोला, चुप रहा, लोग फूल माला डालकर चले गए, बेगमें भी हैरान, बेगमें भी इसकी खिदमत करने लग गई, ये तो कोई पीर है, कोई अल्लाह का वली है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया इसे, इसका मित्र इसे मिलने आया जिसने ये रास्ता दिखाया था, पर इसने उससे भी बात नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भी चला गया। ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी, ये अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहा है, मन में पाप है, ध्यान देना, तस्बीह क्यों फेर रहा है, मन में पाप है कि मेरा भी इच्छा पूरी हो जाए फलाने की बेगम अपनी बनानी, दिखावे के लिए कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, नाम, नाम की ताकत को समझना। कुछ दिन और बीते, इसके मन में ये ख्याल आने शुरू हुए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, बाणी कहती है पर ये हथ पैर तन दे, पानी तो तय उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन, लैया ओ तो परिये मत पापा के संग, ओ तो पै ना वह कर, अल्लाह अल्लाह कर रहा है बेमन से, पर वो मन की मैल उतारनी शुरू कर दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मन में ख्याल आ रहा है खुदा ने तुझे इतनी खूबसूरत 3 बेगमें दी, फिर भी तेरा मन पापी दूसरे की बेगम पे जाता है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पछतावा होना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ दिन बीते, पछतावे में बैठा रहता है, बैठा रहता है। एक बेगम आके कहने लगी कि कोई आपसे मिलने आया है और बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि आपके दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगा कौन है, तो उन्होंने बताया फलाने पठान की बेगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बेगम जिसे अपनी बनाना चाहता है वो मिलने आई है इसे, इसके दर्शन करने, क्योंकि खुदा का वली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब वो बेगम इसके पास आई, उस बेगम ने कहा, उस औरत ने, कि या खुदा के वली मेरे सिर पर अपना मेर भरा हाथ रख दो कि जो बंदगी की दात आपको खुदा ने बख्शी है वो मुझे भी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उस दिन अब्दुल गफार खान ने अपना हाथ उठाया, उसके सर पर रख के कहने लगा बेटा खुदा तुझे भी बंदगी की दात बख्शी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। और उसी वक्त वहां से दौड़ा, और दौड़ पर कहां पर, अपने मित्र के पास जिसने कहा था संत करम सिंह जी होते मर्दान वालों के पास चला जा, उसके चरणों में गिर पर रो पड़ा, कहने लगा तूने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, इस अल्लाह की बंदगी में तो इतना रस है, इस नाम में इतना रस है, आज तक मैंने जितने भी रसों को भोगा है इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जिस औरत के प्रति इसके मन में पाप था उसे इसने बेटी कहकर बुलाया, अपना हाथ उसके सर पर रखा, ये नाम की ताकत है। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे कि ये जितने भी टीवी में इस आप देखते हो साधु आके प्रवचन कर रहे हैं, संत प्रवचन, सो संत थोड़े हैं सारे, बाणी कहती है नानक कोट मत को ऐसा अप्रच, इंद्री जित पंच दोखते रहत,
नानक कोट में देखो ऐसा अप्रच, ऐसे जो करोड़ों दिखाई देते हैं उनमें से एक कोई संत होता है, पर विचारने वाली बात है, ये दिखावे के लिए नाम जपा रहे हैं तो भी दुनिया इन्हें पूज रही है। बात को समझना, जो दिखावे के लिए नाम जपा रहे दुनिया उनकी पूजा कर रही है। बाबा नानक जी कहते हैं जो सच में जप लेगा सोचो गुरु उसे क्या देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, जो गुरु के लिए जपेगा अमृत वेले उठ के गुरु 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 वाहे 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 गुरु जब अब्दुल गफार खान अपने मित्र के साथ संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास गया शुक्राना करने, तब उन्होंने समझाया कि जब तूने अपनी बात हमारे सामने रखी हमने देख लिया कि तेरे मन पे मैल की परत चढ़ी हुई है पापों की और ये बिना नाम के नहीं उतर सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कमाल की बात कहा करते थे, कहते कोई कहता है झूठ छोड़ दो, कोई कहता है शराब छोड़ दो, कोई कहता है मांस छोड़ दो। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं मैं कहता हूँ सब कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत हैरान हुई, आप कह रहे हो पीने के लिए खाने के लिए, कहने के जो करना है करो पर एक काम करो अमृत वेले उठ के दो पार सुखमणि साहब जी के कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने के ये कैसे बात हुई। बाबा नंद सिंह जी कहने के बात को समझो, जिसके हृदय में अमृत वेले अमृत जाएगा, अमृत बाणी जाएगी, जहर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जा को रस हर रस है आयो, सो अनरस ना ही लपटायो। कमरे में अंधेरा हो कोई मूर्ख बाल्टियां भर भर के बाहर फेंके, अंधेरा खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा, एक दीपक जला लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जिसके हृदय में नाम का दीपक जल गया अंधेरा पाप खत्म दुख खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, अमृत बाणी से जुड़ो, अमृत छको, ये उपदेश है। गुरु को मानने से 100 गुना ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना। जो गुरु की मानेगा मन ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जो गुरु की बात मानकर उस पर चलता है वाणी कहती है उसकी गत कहीं नहीं जा सकती। अगर कोई उसका व्याख्यान करे कि वो कितना महान है बाद में पछताएगा कि मैंने कम व्याख्यान किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की मानो, अपनी मत छोड़ो, अमृत वेला संभालो। दास की इतनी हाजिरी, आज आखिरी दीवान है। अब सारी संगत का सबसे पहले धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्होंने यहाँ बुला के आप संगत के दर्शन कराए। और दूसरा धन्यवाद आप सारी संगत का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, बैठकर कीर्तन श्रवण किया। कीर्तन करते हुए हम आदमी हैं, इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कई प्रकार की गलतियाँ 100% हुई होंगी। कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दास माफ़ी चाहते हैं, संगत बख्शनहार है। एक ही दास की अरदास है सात संगत जी आप सबके चरणों में। दास ना कोई, ना मुझे कीर्तन आता है, ना मुझे इतना अच्छा कीर्तन करना आता है, ना मुझे ज़्यादा अच्छा बोलना आता है। मैं जानता हूँ अपनी कमियाँ। एक ही उद्देश्य से दास बाहर निकला हुआ है कि संगत को अमृत वेले से जोड़ना है। महापुरुषों का दास को हुक्म है, हुक्म है हमें कि जाके संगत को अमृत वेले से जोड़ो। दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास अमृत वेला है। अगर वो संभाल लेंगे तो दूसरों के दुख मिटाने वाले बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।